गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के हिटलर एकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक हम विश्व की जो है जल संधियों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके गाइस, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? कौन सी ऐसी जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को कहा जाता है, 180 लॉन्गिट्यूड डिग्री को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो कौन सी जल संधि है? तो वो आपकी वेरिंग जल संधि है। वेरिंग जल संधि एक ऐसी जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या है, समानांतर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछा गया है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो वो है आपकी डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है? वेरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है? तो वह है आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका को। एशिया और उत्तरी अमेरिका को वेरिंग जल संधि क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो वह है आपका ईरान और ओमान। ईरान और ओमान ये आपके जो है पश्चिमी एशिया की कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी को कौन सी जल संधि अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो वह है आपकी टारस जल संधि। टारस जल संधि पापुआ न्यूगिनी जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में है, तो किसको अलग किससे अलग करती है, यह आपको ऑस्ट्रेलिया से टारस जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, जो कि मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यह भारत और श्रीलंका को क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को मिलाती है? मलक्का जल संधि किन दो सागरों को मिलाती है? तो यह आपका अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को क्या करती है, मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वह आपका जिब्राल्टर जल संधि है, जो आपको मध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कौन सी ऐसी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो वह आपका जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश चैनल स्थित है, इंग्लिश चैनल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो यह आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है आपका इंग्लिश चैनल है। ओके गाइस, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।